धगहा थाने की पुलिस ने फर्जी कूट रचना व धोखाधड़ी कर एफडी बैंकिंग दस्तावेज बनाकर क्लाइंट से पैसे लेने व गबन करने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी साउथ तरुण कुमार सिंह ने बताया कि गगहा थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान योगेंद्र कुमार पुत्र रामरूप निवासी लखड़ी सहरुआ थाना गगहा जनपद गोरखपुर, दूसरा संजय पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम लखेड़ी सहरुआ थाना गगहा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग लीडर योगेंद्र कुमार अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन फर्जी कूट रचित धोखाधड़ी कर एफडी बैंकिंग दस्तावेज बनाकर क्लाइंट से पैसे लेना व गबन करने जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र का कहा जनपद गोरखपुर में दो व्यक्ति तमाम लोगों को कम समय में धन दुगना कर देने का प्रलोभन देकर के उनसे पैसा इन्वेस्ट करा रहे थे और काफी लोगों का इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद वो लेकर के फरार हो गए। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की और अभियोग दर्ज किया। विवेचना से ये आरोप प्रमाणित पाए गए और उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई। आगे छानबीन में पाया गया कि एक संगठित गिरोह है। इस आधार पर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेकर के इनके विरुद्ध आज गगहा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है। इस अभियोग की विवेचना के साथ साथ अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति की जानकारी करके उस संपत्ति की 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की कराई जाएगी।